हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी बर्फी। आप घर पे आसानी से किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, मैंने 300 ग्राम ये हमारा मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही 2 से 3 चम्मच मेल्ट हुआ हुआ घी ले लिया है, साथ ही मैं 100 से 150 ग्राम के आसपास बूरा लूँगी। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो। साथ ही 1 गिलास मैंने दूध का लिया है, और ये मैंने पिसी हुई इलायची ली है 1 चम्मच, और साथ ही ये मैंने कॉफ़ी ले ली है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट हमको इसको बनाने के लिए चाहिए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने कढ़ाई में हमारा घी डाल दिया है। घी के अंदर हम हमारा दूध मिक्स कर देंगे, जो 1 गिलास दूध लिया है, और इसको तब तक हिलाएंगे जब तक कि इसमें उफान ना आ जाए। दोस्तों बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो दूध फट चुक सकता है। देखिए हमारा ये उफान आ गया है दूध में। अब इसमें धीरे धीरे मिल्क पाउडर डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब मिल्क पाउडर डालें तो उसको कंटिन्यू हिलाते रहें, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं, दूध गर्म है, गुठलियाँ पड़ सकती हैं, तो उसको कंटिन्यू हिलाते रहें जब तक कि ऐसी फॉर्म ना ले लें, इस तरीके की फॉर्म ना ले लें। तो देखिए इस तरीके की फॉर्म ले ली है इसने। इस टाइम पे इसमें जो हमारी बूरा है वो डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये बूरा पिघलेगी, मिक्स होएगी, तो ये अलग ही रूप ले लेगी। देखिए जैसे धीरे धीरे पक रही है तो ये अलग ही रूप ले रही है और गीली हो जाएगी। देखिए जब चीनी पिघलने लगेगी तो इस तरीके की आपकी ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इसी टाइम इसमें हम इलायची डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल दिया है हमने 1/2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हमारा कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे, और कॉफ़ी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा और चॉकलेटी रंग ले लेगा। उस टाइम पे हम ये ट्रे लेंगे, इसके चारों तरफ घी लगा लेंगे और इसके अंदर पेस्ट को डाल देंगे। और इसको अच्छे से जमा लेंगे किसी भी चीज़ से। तो देखिए इसके लिए जो भी कोई चम्मच या चमचा जो भी यूज़ करे उस पर हल्का सा घी लगा ले, उसके बाद ही इसको अच्छे से जमाएं, क्योंकि नहीं तो चिपकेगा। तो इस तरीके से आप इस पर घी लगा के किसी भी चम्मच पे इसको अच्छे से प्लेन कर दें। देखिए इस तरीके से हमने इसको जमा दिया है। अब इसको 2-2.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, उसके बाद इसके पीस काटेंगे। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इस पर मैं सिल्वर कवर यूज़ कर रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें सिल्वर कवर लगा दूँगी। आप इसको पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में लगा रही हूँ। इसमें अच्छे सिल्वर कवर लगा दिया है हमने। अब इस पर डेकोरेशन के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब इसके पीसेस काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसके पीसेस कट रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे इसके जो भी साइज़ या शेप आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरीके से हमको लंबा कट कर लेना है। देखिए दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। देखिए हमारी बर्फी कितने अच्छे से तैयार हुई है, बहुत अच्छे से जम चुकी है। देखिए पीसेस भी बहुत ही अच्छे से कटे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, ये बहुत ही टेस्टी बर्फी है।